अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मेरी यूट्यूब की तीसरी वीडियो है, मतलब तीसरा व्लॉग है। तो ये आँख मेरी बहुत ख़राब हो चुकी है, इसके अंदर थोड़ा सा कचरा है जो तंग कर रहा है, पानी नहीं रुकता आँख से। तो टाइम हो चुका है, दिन के 12 बज चुके हैं। तो जिशान भाई ने मुझे कॉल की थी कि आपके अकाउंट में मैं पेमेंट करवा रहा हूँ, वो निकलवा के पे करने हैं। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले एटीएम में चलते हैं, एटीएम में जाके अपनी पेमेंट जो है वो निकलवाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये है मशरिक का एटीएम, क्योंकि दुबई के अंदर बहुत सारा डिफरेंट है, पाकिस्तानी वाले बैंक यहाँ पे नहीं चलते। लगाया हमने कार्ड, तो भाई साहब अभी मांगेगा ये कोड। ये करेंगे ईमेल पे ताकि हमें रसीद ईमेल पे मिल जाए। तो ये एटीएम आ गया हमारा, अभी आएंगे नीचे से कैश। तो भाई साहब ये आ गया है हमारा कैश दरामों में, ठीक है। यहाँ के नोट की तरफ से बहुत दिल खुश होता है कि नोट जो हैं बिल्कुल सीधे और साफ, पाकिस्तान में जैसे भी हैं, नकली भी चलते हैं यार। वेलकम बैक। तो अभी हम निकलने लगे हैं वर्कशॉप के लिए, कि आपको मैंने दिखाया कि वो पेमेंट निकलवाई है मैंने, वो वर्कशॉप वालों को पे करनी है। हेलमेट उठाया मैंने, अभी चलते हैं बाइक पे, तो निकालते हैं और वहाँ पे जाके मिलते हैं। जनाब वर्कशॉप पे आ चुका था, तो पेमेंट कुछ रहती थी उनकी वो मैंने पे कर दी है। तो हमारे कुछ पेपर वर्क था उनके पास, वो मैंने रिसीव किया है। तो अभी चलते हैं वापस रूम की तरफ, हमारा काम हो चुका है। शो इसलिए नहीं करवाता कि थोड़ी सी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी होती है जो फॉलो करनी होती है यहाँ के रूल्स के मुताबिक, इस वजह से। इंशाल्लाह आगे जैसा जैसा भी होगा आपको शो करवाएंगे, लेकिन फिल वक्त न्यू ब्लॉगिंग है इसलिए थोड़ा सा मसला पेश आ सकता है इसलिए। तो चलते हैं वापस अपने रूम की तरफ, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या। तो जी हमारे दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था, तो हमने ऑर्डर दिया ऑनलाइन। तो ये हमारे होनहार जो राइडर हैं वो लेके आए हैं हमारा ऑर्डर। ऑर्डर में क्या है, हमने खोल तो लिया है ऑलरेडी। वैसे ये दो पिज़्ज़े हैं और ये कुछ सैंडविच टाइप, ठीक है, और कुछ चीज़ होगी, आइडिया हमें भी नहीं है, हमें ऑनलाइन ऑर्डर दिया था। ये राइडर हमारे अलीजान काठिया, जो कि हमारे कंपनी के ही राइडर है, वो हमारा अपना ही राइडर आ चुका है, ठीक है। और ये इसके साथ है सफदर काठिया साहब, और साथ में उसामा साहब जो कि चिल कर रहे हैं, और साथ में मैं भी इंक्लूड हूँ। तो अभी कोक ओपन की गई है, तो उसके बाद आएगी पिज़्ज़े की। वेलकम बैक गाइस। तो रात के 12 बज चुके हैं, 12 बजकर मेरे ख्याल से 40 मिनट या 50 मिनट हो चुके हैं अभी। तो यार मेरे पिंपल्स बन रहे हैं स्किन पे, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो सारा दिन थोड़ा काम था, जो आपको व्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं निकला मेरे पास, क्योंकि कुछ काम पेंडिंग में होते हैं जो इंसान ने अपने भी करने होते हैं गाइस। तो अभी रूम में आया हूँ, तो रूम वालों ने बोला भाई आपके हाथ की हमें कढ़ाई खानी है, सही है। तो जैसे भी था, इतना प्रोफेशनल कुक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जो हूँ रूम के लिए बेहतर हूँ, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। उसामा साहब हमारे लगे हुए अभी मुर्गी सफाई करने के लिए, धोने के लिए दिखाते हैं। ये है जी अपने उसामा साहब। हेलो उसामा। हेलो गाइस। और ये साथ है हमारे जाफर साहब, जो कि हमारी हेल्प करवा रहे हैं कटिंग में, टमाटर प्याज अदरक लहसुन हर चीज़ ये करते हैं। और ये उसामा साहब हैं जो कि मुर्गी की सफाई और सुथराई कर रहे हैं, दोनों मिक्स कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको, और मैं कर रहा हूँ कुकिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा छोटा सा किचन है, लेकिन हालत बहुत गंदी है क्योंकि रात का टाइम है, सब लोगों ने खाना बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कर रहे हैं कुकिंग, चेक कर सकते हैं आप कि मैं अभी कलेजी को फ्राई कर रहा हूँ। इसके बाद मुर्गी की बारी है। कंपटीशन है, गलत है मुर्गी और कलेजी का, लेकिन क्या करें, गुजारा तो करना है ना, परदेस है भाई, यहाँ तो इतना तो चलता है। ये गाइस कलेजी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको निकालते हैं बाहर। फाइनली हमारी कलेजी जो है निकल चुकी है, ठीक है। इसके बाद आती है बारी गोश्त की, जो कि उसामा साहब अभी लेके आ रहे हैं, तो वो भी दिखाते हैं, वो भी फ्राई करते हैं। ये गाइस फाइनली हमने मुर्गी डाल दी है इसके अंदर, अभी वो फ्राई हो रही है, तब तक हम आपको इन सब का तारफ कराते हैं। ये जी जाफर, जो कि मेरे हम साहिबी हैं, चिचावतनी से बिलोंग करते हैं, और ये जी है मैरी जाट साहब,
हेलो जट साहब, ये ब्लॉग करते हैं मियाँ चनू से, और ये सफदर काठिया साहब जो कि ये भी ब्लॉग करते हैं मियाँ चनू से। ये सब हमारी फैमिली है पाकिस्तान की, जो हम पाकिस्तान में थे वही हम यही हैं, ठीक है। और ये है मेरे कजन, ये मेरी जान का टोटा उसामा, ठीक है। तो ये हमारा किचन है, ठीक है, गंदा सा है क्योंकि सब लोगों ने पका पकू के ना यहाँ पे फेंका हुआ है कचरा, ठीक है। अभी सफाई होगी तो तब तक हम आपको एंजॉय करवाते हैं। हमारा चिकन हो चुका है रेडी। इतना प्रोफेशनल कुक तो नहीं हूँ मैं, बहरहाल आपके सामने है। और अभी सब खाना लगे हैं खाने, रात के 2 बज चुके हैं। ये परदेसियों का खाना है 2 बजे। हमारी टीम खाना खा के आ चुकी है चाय पीने के लिए। ये हमारी चाय है, और ये मैरिजाट साहब चिल हो रहा है यहाँ पे। आपने पीनी है तो आ जाए भाई, चाय रेडी है।